मार्केट अभी लीग स्टेज बहुत फ्रेशली खत्म हुआ है और आखिरी लीग मैच हमने देखा कि कितना ज्यादा कांटे की टक्कर रही थी उसमें, आरसीबी वर्सेस गुजरात जायंट्स, गुजरात टाइटंस सॉरी। तो देखा हमने कि आरसीबी हार गई और वो बाहर हो गए एंड द फैंस वर अंडरस्टैंडेबली वेरी सैड। तो आपको क्या लगता है कि इस साल क्या गलत रहा उनके लिए, व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आरसीबी? मैं आपको क्रॉस क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आपको क्या लगता है कि हर साल आरसीबी के साथ क्या गलत होता है? सेम हर मिस्टेक दे साल कीप ऑन डूइंग इट। हर साल का तो मैं नहीं कहना चाहूंगा, इस साल मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंजरीज उनको काफी ज्यादा हर्ट करी। शुरू में जॉश हेजलवुड अवेलेबल नहीं थे, रीस स्टोपली जो उनके बैकअप थे वो पहले मैच में बिना बॉलिंग करे ही इंजर्ड हो गए थे। वह 1 in 200 रन का पिछले साल उनके हाईएस्ट विकेट टेकर थे, उन्होंने लेट ज्वाइन करा और थोड़े दिन बाद फिर इंजर्ड हो गए। तो इस चीज का फर्क पड़ता है। हमने देखा कि हर्षल पटेल का जो पर्पल पैच था वो था 2021, जब आईपीएल बहुत स्लो स्ट्रेच पर खेला गया था। पिछले साल बिल्कुल मुंबई में खेला गया था तो उन्होंने थोड़ा सा स्ट्रगल करा था और इस साल तो उनको चिन्नास्वामी में खेलना पड़ा, तो ही लुक्ड आउट ऑफ सॉर्ट्स राइट। तो मेरा ये मानना है क्लोज हो लाइक बट मेरे ख्याल से एक चीज मैं आपको लाइक आपने जैसे कि इंजरीज का एक चीज कहा, तो इंजरीज बहुत सारे टीम्स के पास था। लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू लुक हाँ एट द टीम्स क्वालिफाइड, चेन्नई सुपर किंग्स, उनके पास भर के ट्रू इंजरीज थे। ट्रू लाइक लखनऊ सुपर जायंट्स, मार्क वुड वाज रूल्ड आउट, देन या मोहसिन खान वाज नॉट अवेलेबल, सो आवेश खान बीच में नहीं था, जय रघुनाथ का रूल्ड आउट। सो इट्स आल्सो अबाउट हाउ यू मैनेज इंजरीज, राइट? क्योंकि एक टूर्नामेंट आप 16 अग्रीड साल से, एक फ्रेंचाइज 16 साल से आपको पता है कि आप खेल रहे हो, कि जी कैसे इंजरीज मैनेज करना है। जी लाइक दैट इज अ फैक्टर इंजरी, बट यू ऑल्सो नीड टू लर्न इंजरी मैनेजमेंट। बट द अदर थिंग इज कि आरसीबी का हमेशा से यह रहा कि टॉप थ्री स्ट्रॉन्ग एंड देन जो उनका जो स्लॉग ओवर बोलिंग होता है वो बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। सो वंस अगेन दैट वाज राइट ऑन स्पॉट। हमने देखा कि जैसे पहले एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, ये लोग थे, क्रिस गेल, क्रिस इंदिल शान, अभी अभी लाइक वी गॉट टू से इट्स जस्ट अबाउट विराट कोहली, फाफ डू प्लेसी, ग्लेन मैक्सवेल, मैक्सवेल राइट? कभी कभी माई पल अमरोड आके कुछ मिनिंग्स खेला है, कुछ कैमियोज, या बट इवेंचुअली इट डजंट हेल्प। यू नो इफ यू नीड टू विन, यू नीड प्लेयर्स टू विन मैचेस, इंडिविजुअल, मतलब हर हर एक मैच में एक एक प्लेयर्स उभरते हुए आना चाहिए, ठीक है? बट दैट हैज बीन द केस फॉर रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। एंड कुछ डिसीशंस मुझे समझ नहीं आया, लाइक दे हैड द लाइक्स ऑफ सुयश प्रभुदेसाई, लाइक उनको अच्छे से बैक नहीं किया गया, एंड लाइक ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर, प्लेस फॉर गोवा आई फील, एंड ही इज अ ब्रिलियंट प्लेयर। उनको अगर आप 3 या 4, रजत पाटीदार जब नहीं था आपके पास, यू कुड हैव गिवन हिम अ चांस। लाइक आपने शाहबाज से टेस्ट किया, महिपाल उमरूर से टेस्ट किया, बट सुयश प्रभुदेसाई से भी कर सकते थे, बिकॉज ही इज अ वेरी गुड प्लेयर, पोटेंशियल प्लेयर। थिंक उन्होंने और फिर शाहबाज का मैक्सवेल चल साथ में आ सकता था। उन्होंने शाहबाज का साथ काफी जल्दी छोड़ा इस साल, क्योंकि पिछले साल शाहबाज बहुत ही क्रूशल रोल प्ले करे थे उनके लिए। मुझे कहीं ना कहीं लगा कि शाहबाज का रोल डिफाइन नहीं था यहाँ से अच्छे से। देखो शाहबाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। शाहबाज बंगाल के लिए अकेले बल पे लाइक कभी कभी मैच जिताया है, लाइक बीट बैटिंग बीट बॉलिंग। बट द थिंग इज यहाँ पे अगर आपको रोल डिफाइन करना बहुत जरूरी है T20 क्रिकेट में, सो आपने भी देखा होगा कभी उनको एक ओवर बॉलिंग मिल रहा है, कभी उनको बॉलिंग अचानक से नहीं मिल रहा है, कभी आके तो इससे कंसिस्टेंसी बिगड़ जाता है। सेम फॉर बैटिंग, कभी वो 7 में बैटिंग कर रहे हैं, कभी वो 9 में, कभी वो तो 3 में आ जा रहा है। अगर आप एक टूर्नामेंट से शुरू में लाइक इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ आप लाइक फिक्स कर देते हो कि हाँ नहीं शाबाश, आपको आपका रोल ये है, आपको ये चीज करना है, ठीक है? सो जैसे कि आप सीएसके के साथ देख रहे थे अजिंक्य रहाणे का रोल कैसे अच्छे से डिफाइन किया गया, आप गुजरात टाइटंस के लिए राहुल तेवातिया का रोल, बहुत स्मॉल रोल है राहुल तेवातिया का, ही इज एन ऑलराउंडर बट वो बॉलिंग भी अभी नहीं कर रहा है, बट उनका रोल डिफाइन है, वो कर रहा है अच्छे से। सो दी सो कम्युनिकेशन इज अ वेरी की थिंग आई बिलीव, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये छोटी छोटी चीज में आरसीबी हैज जस्ट लेट देमसेल्फ डाउन, एंड मैं ऑल्सो आज स्लॉग ओवर बोलिंग। पर्सनली फील कि प्लेयर्स का रोल होता है, आपका रोल डिपेंड करने वाली बिल्कुल भी चीज होती है। बट देखा जाए तो इट्स मोस्टली अबाउट विनिंग दोस क्रूशियल मोमेंट्स राइट। क्योंकि यस फॉर से बिल्कुल अगर हर्षल पटेल उस दिन आरसीबी वर्सेस लखनऊ राउंड 1 में रवि बिश्नोई को मैन कैट कर देते तो आरसीबी वो मैच जीत जाती, और अभी हम बैठकर ये नहीं डिस्कस कर रहे होते कि व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर आरसीबी, क्योंकि आरसीबी अभी प्लेऑफ में बिल्कुल होती। हम डिस्कस कर रहे होते बिल्कुल व्हाट वेंट रॉन्ग फॉर मुंबई इंडियंस एक्चुअली। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं क्रंच मोमेंट्स की भी बात होती है। हाँ बिल्कुल ये होता है। और आप देखोगे लाइक आप जितने ऐसे क्रंच मोमेंट्स के साथ लाइक यू विल बी फेसिंग देम, तो उतना आप अच्छे से लाइक यू विल परफॉर्म वेल। सो एमआई जो अभी बना है मुंबई इंडियंस, एक दिन में नहीं बना है, 2010 में वो लोग फाइनल हारा है, उसके बाद जाके वो लोग 12 में जीता है। सो लाइक धीरे धीरे बना है। सो इट सो लाइक द मोर यू फेस सो द मोर यू बिकम। बट आरसीबी के साथ लाइक ऐसा नहीं कि आरसीबी भी क्रंच मोमेंट्स में नहीं गए है, लाइक फाइनल हारे है, प्लेऑफ से भी काफी बार छिटके है, बट ये जो चीज है लाइक कहीं ना कहीं इसका आंसर तो लाइक देना नामुमकिन जैसा हो गया, ठीक है? ओनली आरसीबी विल नो वेर दे आर फॉल्टरिंग, बट हम बाहर से हमें एक चीज दिखता है, अंदर कुछ और होगा, ठीक है? बट यस डेफिनेटली आपने जो कहा लाइक यू नीड टू विन दिस स्मॉल मोमेंट्स, की मोमेंट्स इन ऑर्डर टू गो टू द प्लेऑफ्स, एंड कहीं ना कहीं आरसीबी हैज नॉट मेड इट अप। आपको लगता है कि नियर फ्यूचर में आरसीबी आईपीएल जीतेगी?
इस साला कप नाम देकर होने वाला है। टफ क्वेश्चन, टफ क्वेश्चन। देखो गट फीलिंग। हाँ, लाहौर कैलेंडर्स ने भी जीता है, सो ऐसा आई वुड नेवर से नेवर, जरूर जीत सकता है, क्यों नहीं जीत सकता है। आई थिंक इफ दे गो ऑन विद द राइट कॉम्बिनेशन, इफ दे लाइक इफ द इंडियन लाइक ये जो ओवर रिलायंस है ऑन द टॉप ऑर्डर, ये चीज घट जाए, लाइक एवरीवन कम्स अप एंड स्टेप्स अप, तो आई थिंक इट विल डेफिनेटली हैपन वन डे, बट ये कब होगा ये तो अल्लाह ही जाने। मैं थोड़ा पर्सनली मानता हूँ कि आरसीबी शायद नहीं जीतेगी अनलेस विराट कोहली अनाउंसेस कि यार ये मेरा आखिरी साल होने वाला आईपीएल में। और इस स्टेटमेंट को ना मैं एक बड़ी मशहूर सी कहावत है उससे जस्टिफाई करना चाहूंगा कि हसरत ही रहे तो बेहतर है, चांद अगर हासिल हो जाए तो चांद कहाँ लगता है। अब आई होप कि ऑडियंस ही समझ पाए मैं एग्जैक्टली कहना क्या चाहता हूँ। हाँ, मैं समझ गया आप क्या कहना चाहते हैं, बट लेट्स ऑफ द ऑडियंस ऑल्सो अंडरस्टैंड्स। बट या अगेन लाइक विराट कोहली भी डिजर्व करता है यार आईपीएल, है ना, लाइक इट्स अ अरे बिग नो मैच डाउट प्लेयर। अबाउट दैट। लाइक लेट्स होप कि लाइक एटलीस्ट ही गेट्स अन आई, जैसे सच लाइक हर एक हैप्पी एंडिंग होता है, जैसे सचिन तेंदुलकर जो करियर है, एक वर्ल्ड कप उनको भी मिल गया, तो दैट वाज अ हैप्पी एंडिंग। सो लेट्स होप विराट कोहली, ठीक है अगर आईपीएल भी ना मिले, चलो एटलीस्ट इंडिया के साथ, लाइक ऑलरेडी 2011 में था उन्होंने वो भी, बट बट ही वी वाज गेट टू प्रीटी विन यंग, दिस ही ओडीआई वर्ल्ड वाजंट कप द विराट कोहली एट दैट टाइम। डेफिनेटली।